लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। ২০১৬ से अपनी विवेक मांगों को लेकर आंदोलित रहने वाले उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई करने के लिए नजर आ रही है। ग्रेड पे और पदोन्नति जैसी अन्य मांगों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद के सभी लेखपालों ने स्वर मुखर करते हुए सरकार के खिलाफ बेरुखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम सभी लेखपालों की मांगों पर समझौता कई बार हुआ लेकिन अमल एक बार भी नहीं हुआ। इस मामले पर अयोध्या जनपद के लेखपाल संघ के अध्यक्ष अमरनाथ पांडे ने कहा कि हम सभी लेखपालों से 36 विभागों का काम कराया जाता है लेकिन वेतन सबसे कम 2000 ग्रेड पे का मिलता है। उन्होंने कहा हमारी मांग है कि हम सभी लेखपालों को 2000 ग्रेड पे की जगह 2800 ग्रेड पे दिया जाए, पदोन्नति और भत्ता सहित मांगे पूरी की जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हमारा यह प्रदर्शन जारी रहेगा। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। नेतृत्व इतना सक्षम है और हमेशा तमाम आंदोलन संघ विगत 2016 से आंदोलित है। बीच में सरकारें आई और गई, हमारी मांगों पे समझौते हुए कार्यवृत्त जारी हुए लेकिन आज तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय नेतृत्व ने हम लोगों को यह निर्देश दिया है कि हम फिर से आंदोलित हों। इसी क्रम में हमारा यह आंदोलन चल रहा है और आज हम लोग पूरे जनपद के सभी लेखपाल साथी यहाँ तहसील सदर में इकट्ठा हैं। हमारी जो पूर्व की मांगें हैं उन्हीं मांगों के संबंध में हम लोग एकत्रित हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवर्ग को काम तो हमसे 36 विभागों का लिया जाता है लेकिन वेतन देने के नाम पे हमको बहुत ही न्यूनतम वेतन 2000 ग्रेड पे दिया जाता है। इसको बढ़ा करके 2800 किया जाए, हमारी शैक्षिक योग्यता बढ़ाई जाए, हमारा पद नाम परिवर्तित किया जाए। हमारे ही संवर्ग में दो तरीके की विसंगतियाँ हो गई हैं। हमारा अक्टूबर नवंबर 94 के बाद का नियुक्त साथी वो 2400 ACP पा रहा है और उसके पूर्व का साथी 2800 का ग्रेड पा रहा है। ये विसंगति दूर की जाए, हमारे भत्ते बढ़ाए जाएं। हमको साइकिल भत्ता के रूप में 100 रुपये मिलता है और मोटरसाइकिल हमारी जो दौड़ती है वो 200 रुपये प्रतिदिन खर्चा करती है। सरकार का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारे बगैर दौड़े काम हो जाए। साथियों, इन्हीं सब विसंगतियों को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं और हमारा ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगे शासन प्रशासन मान नहीं लेता। हमारे आंदोलन पे ऐस्मा लगाया गया है लेकिन उनका ये ऐस्मा लगाना गलत है। हमने सरकार को विधिवत, हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने नोटिस दी थी। विधिवत जो नोटिस का विधान होता है उस तरीके से उनको पूर्व नोटिस दी गई थी और उसके तहत हम क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए उनका जो ये ऐस्मा लगाने का तरीका है वो गलत है और विधि विरुद्ध है। लोग पूरे जनपद के लेखपाल आंदोलित हैं और इस आंदोलन के क्रम में 26 तारीख तक हम लोगों को निर्देश है कि जिले पर हम धरना देंगे। 27 को प्रदेश की राजधानी में विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके बाद का जो कार्यक्रम होगा हमारा पांचवें नेतृत्व जो निर्देशित करेगा वो हम लोग करेंगे।